हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल ममता प्यार कुकिंग वीडियो में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीट रूट का कटलेट। तो यह देखिए इस तरह से आपको घिसना है, इसको घिस के निकाल लेना है। चलिए इसको साइड में रखते हैं। जो मेरा आलू उबल गया था इसमें डाल देते हैं, डाल के मैश कर लेते हैं इसको। अगर बीट रूट में ज़रा सा पानी रह जाता है तो आप उसको निचोड़ के निकाल सकते हैं, क्योंकि ज़रा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए, आपका कटलेट नहीं बनेगा, गीला हो जाएगा। तो मेरा मसाला उधर तैयार हो चुका है, अब मैं इसमें छोंकने के लिए डालता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच तेल लिया है, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला मैंने इसमें, और मैंने जो हरी मिर्च प्याज काट के रखा था वो भी इसमें डाल देते हैं। ज़्यादा लाल नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा उसको ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना है। चलिए मेरा हो चुका है, अब रेड चिली पाउडर इसमें डाल देते हैं, उसके बाद इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, फिर धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। इसको मिला देते हैं। मसाला को अच्छी तरह से मिला देंगे। ये मेरा बन चुका है। अब जो मैंने बीट रूट घिस के रखा था, आलू मैश करके रखा था, उसमें इसको पलट देते हैं। इसमें पलट दिया मैंने,
अब मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला अपने हिसाब से आप डालिएगा। ये है ब्रेड क्रम्ब, तो ये इसमें मैं थोड़ा सा मिलाऊंगा ब्रेड क्रम्ब। मिक्स कर देते हैं इसको। मसाला मेरा बन के रेडी हो चुका है और कटलेट तैयार करने के लिए मैंने लिया ब्रेड क्रम्ब, कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसको मिलाएंगे अच्छी तरह से, जितना ज़रूरत है उतना ही आप मिलाइएगा इसको। चलिए ये सब रेडी हो चुका है, अब इसको कटलेट शेक में, राउंड शेक में इसको हम बनाते हैं। चलिए सारा तैयार कर लेते हैं फटाफट। ऐसे हाथ में थोड़ा सा लगा है, डीप कलर है और ब्रेड क्रम्ब में लगा है। कटलेट का गोली बना के थोड़ी देर इसको रेस्ट में रख लीजिएगा, फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए अच्छी तरह से। उसके बाद आपको बनाना। तो मेरा कटलेट रेडी हो चुका है, मैंने फ्रिज में रखा था, ये सेट हो चुका है। तो चलिए इसको निकालते हैं पन्नी को। अच्छी तरह से सेट हो चुका है। चाहे आप तो संगसंग बना सकते हैं, ऐसे कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप रेस्ट करके इसको बनाएंगे तो अच्छी तरह से बनेगा। नॉनस्टिक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, ज़रा सा ऑयल डाले हैं, तो इस तरह से हम इसको सेकेंगे। देखिए ऑलरेडी ये सब बना हुआ है तो हमको ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, खाली ज़रा सा टॉस करना है। तो ज़रा सा ऑयल डाल के आप इसको टॉस कीजिएगा, डीप फ्राई मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा आजकल लोग डीप फ्राई नहीं खाने मांगते हैं। अब इस तरह से बना के खिला सकते हैं, अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, आप स्नैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे, आप खिला सकते हैं इनको। देखिए इस तरह से लाल हो जाएगा तो आप निकाल लीजिएगा। एक साइड हो गया है, दूसरे साइड इसको पकाएंगे हम लोग। सिंपल है दोस्तों, लेकिन टेस्टी है, अच्छा है। बीट रूट तो बहुत हेल्दी होता है, चेहरे के लिए भी अच्छा होता है, खून बढ़ाता है। अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। दोस्तों मेरा कटलेट बन के तैयार हो चुका है, चलिए प्लेटिंग करते हैं। अब साइड में मैंने थोड़ा सा पहले देख लीजिए अच्छी तरह से, इस तरह से आपको ब्राउन करना है। ये मैंने थोड़ा सा लाल सॉस डाला है, साइड में टमाटो सॉस है और राउंड में रेड चिली सॉस है। तो मेरा बीट कटलेट बनके तैयार हो चुका है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।